गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम और सेवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों अभी 9:45 का टाइम हो चुका है और यहाँ देखो धूप एकदम से चट चटाक वाली डेली की तरह लग गई है। आजकल सुबह सुबह ही धूप आ जाती है और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे दोपहर हो गई होगी। अभी भी कुछ ऐसा ही मौसम हुआ पड़ा है। बाकी अभी सुबह का नाश्ता भी बिल्कुल टन मार के हो गया है बढ़िया से और भाई भी अपनी गायों को छोड़ने के लिए सीधे सारी में चला गया है। आज सुबह होते ही दोस्तों सबसे पहले नाश्ता वगैरह हुआ बिल्कुल बढ़िया से, उसके बाद साफ सफाई की गई टन मार के। बाकी जो नेचुरल पुट्टी क्या होती है जिसको हमारे यहाँ से नक्तुली स्टेडियम से लेके आया जाता है उसकी बिल्कुल बढ़िया से उसका मिक्सर बना के उसके बाद घर की लिपाई पुताई की गई बिल्कुल बढ़िया से। भाई दोस्तों मेरी आज की सबको राम राम। आज सुबह से थोड़ा बहुत काम पर लगी हूँ और आज लिपाई पोताई कर रही हूँ क्योंकि अब घास के लिए जा रही हूँ। ये स्वेटर मेरे लड़का कोटदार से लेके आया, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना जरूर। दोस्तों ये सेब है, घास काटने के बाद खाती हूँ इससे ताकत मिलता है। चलो भाई दोस्तों एक बार फिर से माँ की तैयारी हो गई है खेतों की साइड जाने की, घास वगैरह काटने की, और अपनी वर्दी उठा रही है। तो वर्दी उठाने के बाद सीधा पकड़ेगी अपनी दराती और उसके बाद सीधा ऊपर खेतों की तरफ। काम 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 इतना ज्यादा हो रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा ये काम। अरे होगा ये काम कभी खत्म? नहीं, कभी नहीं। चलो भाई माँ भी चल दी है बिल्कुल बढ़िया से अपनी वर्दी पहन के। अरे ये देखो तुम, ये अटका दिया है देखो सर में बोतल, क्या बैलेंस है यार, गजब। अब बाकी अभी ठीक जहाँ कल गए थे वहीं जाना है। माँ ने सुबह सुबह एक यहाँ लिपाई पुताई की और एक यहाँ लिपाई पुताई की और भाभी यहाँ लगी पड़ी है स्वर्ग को चमकाने पे। सारा सामान जो है वो इधर रख दिया गया है और इसके बाद पहले ये वाली दीवार, फिर सामने वाली, फिर ठीक वहाँ, फिर यहाँ, इसी तरीके से पूरे स्वर्ग को चमका दिया जाएगा। बाकी दोस्तों लिपाई पुताई तो चली रही है बट यहाँ पे हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी लगे पड़े हैं अपने कारोबार में। भाई मिर्चों की टेंशन जो है ये जब तक खत्म नहीं होता ना तब तक लगी रहती है। बाकी चार श्री को तो पूरा महीने भर हो गया और लगे पड़े हैं भैया, कमर टेढ़ी हो गई। बल तो भाई दोस्तों इधर देखो बैठे हैं हमारे ताऊजी, यहाँ से मिलिए इनसे। और दोस्तों हमारे ताऊजी ना दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ESI में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और अब रिटायर आने के बाद दोस्तों घर में ना गांव में बढ़िया से मकान बना रहे हैं टर्न मार के और यहीं पे है उसकी देख रेख कर रहे हैं बढ़िया से। मतलब बोलने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि आप जहां कहां भी रहो, चाहे आप शहरों में रहो चाहे आप कहां भी रहो, बट जो आपकी पुरखों की जमीन है, पूर्वजों की जमीन है, उसको आबाद रखो। बाकी दोस्तों आप सभी को मैं एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये है वॉलीबॉल और साथ में है ये वाला पंप। तो इसको कल भाई लेके आ गया था छोटे बच्चों के लिए, जो पहली वाली बॉल क्या थी वो थोड़ा सा फूट गई थी और अब जाके देखो ये नई बॉल लेके आया है तो ये भी बढ़िया हो गया है। चलो भाई बाकी सब चीज तो बढ़िया हो रही है। यहाँ पर देखो भाई की दिन के खाना बनाने की तैयारी हो गई है, हरी चल रहे हैं गढ़वाली गाने। बाकी हमारे स्वर्ग तो चमक ही चुका है, भाभी लगी पड़ी है बाहर यहाँ पे इसको लीपने पे बिल्कुल बढ़िया से। भैया भाभी की ड्यूटी खत्म हो चुकी है लिपाई पोताई की, अब इसके बाद यहाँ पे देखो जो थोड़ा बहुत कचरा उचरा बचा हुआ था हमारे छन्नी मंत्रालय का, वैसे थोड़ा बहुत यहाँ तक तो मैंने सुबह कर लिया था, थोड़ा और बचा था तो वो भी हो गया है बिल्कुल बढ़िया से। यहाँ देखो काजल घूम रही है। काजल कहाँ घूम रहे तू? अभी अभी पापा कहाँ तेरे? ओ तेरे अरे वाह क्या भाई गाल बिल क्या थी हर्षो भाई, तुम्हारी बच्ची यहाँ घूम रहे, तुम वहां बैठे हो टन मार के। आजा काजल, कुकु कुकु बाकी इधर देखो भैया पूरा चमक धमक गया है और ये स्वर्ग के हाल कुछ ऐसे हैं। अरे भाई सब साहब क्या कर दिया आपने ये? भाई सब साहब क्या कर दिया ये आपने?
बहुत खतरनाक हाल कर रखे हैं भाई। मसाला बना रखा है पर इतना खतरनाक कि अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा। गाल में ऐसे बैठ रहा है कि खतरनाक। माँ भी आ गई है, ये सबसे बढ़िया हो गया कि आज हमारी घसेरी जो है वो जल्दी आ गई। 12:30 का टाइम हो रहा है और माँ पहुंच चुकी है, नहीं तो ठीक 1-1.5 बजे के बाद ही आती थी। देर नहीं, ठीक टाइम पर आ गए तुम आज। तो भाई दोस्तों, ठंडा बना रखा है, झुकड़ी में सिर फूट गई, छटका रहा हूँ। वाह क्या बात है, आज तो माँ पूरी फॉर्म है भाई। तो भाई दोस्तों डांस कैसा लगा? अच्छा लगा? शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो भाई दोस्तों, खाने का टाइम हो गया, अब खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर हम खेतों में जाएंगे, फिर वहाँ मिर्च है उनको लाएंगे, खेत पाती साफ करेंगे। और तो हम सब के सब जाएंगे, बहुत सारा काम है खेतों में। तो भाई दोस्तों, खाना खाने के बाद माँ चढ़ गई है सीधा यहाँ, देखो भैया, छत में, और यहाँ रखेंगे मिर्ची। जो पहली वाली मिर्ची हमने वो नीचे रखी थी ना, तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ धूप ढंग से आ नहीं रही है, तो उसकी वजह से जो मिर्ची क्या है वो सूख नहीं पा रही है ढंग से। अब वहाँ से उठा के माँ ले गई उनको ठीक यहाँ ऊपर घर के छत में, और कुछ मिर्ची ये रही तो इनको भी वहीं पहुँचाना है। चलो भाई, ये भी पहुँचा दी गई है, अब माँ ही रखेगी इन सभी को ऊपर, रख देगी बढ़िया से। यहाँ देखो, उस साइड ना अच्छी वाली धूप आती है, थोड़ा ठीक ठाक धूप आती है, तो उसकी वजह से वहाँ रख दिया है। अब जरा ठीक ठाक करके ये जरा सूख जाएंगे बढ़िया से। तो अभी 3:30 का टाइम हो गया है दोस्तों, और धूप देखो, धूप चल गया। ओ पल्ले अछाल, गांव में बिल्कुल भी धूप नहीं है। गांव में आ गए हैं हम अपने खेत में दोबारा से, थोड़ी बहुत हमारी जो ये मिर्ची है वो रह रखी थी, तो इसको फटाफट से निकाल देंगे। बाकी इधर देखो, पूरी जो इधर की पूरी सारी क्या है वो पूरी खाली हो चुकी है, सारे में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हमारे बचे हुए हैं थोड़े से मिर्च वगैरह, तो इनको निकालेंगे। अभी एक यहाँ पे है, 1-2 खेत ऊपर भी है। तो वही दोस्तों, यहाँ देखो खुजली भी लगा दी गई है, माँ ने खुजली लगा दी है, भाभी यहाँ पे लगा ही रही है, साथ यहाँ से दीदी भी देख रही है, पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? घास के लिए। कहाँ? अभी अभी जा रहे हो? हाँ वो तो है भैया, जाओ तब है, टाइम हो रहा है। हाँ सही बात है। अब खेतों में ना दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची बची हुई है, और यहाँ देखो पूरे पेड़ खाली हो गए, बट जितने भी हैं हरे लाल पीले नीले पीले सब हम इकट्ठा कर रहे हैं, सीधे घर लेके जा रहे हैं। तो भाई दोस्तों, इस खेत में से तो हो गया, अब ऊपर जाएंगे भदवाड़ में। चलो भाई दोस्तों, पहुंच गए भदवाड़ में,
यहाँ तो देखो थोड़ा कुमरी कुमर हो रखा है। अब इनको टीपेंगे और इनको ऐसे पलट देंगे। टमाटर ममाटर सब बाकी इधर से आगे देखो दोस्तों, यहाँ से गांव का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल बढ़िया से। और ठीक सामने धूप देखो कैसे चली गई है, अदीबा डैंड वैली बिल्कुल बढ़िया से सब दिखाई दे रही है। चलो भाई दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, थोड़े से बचे हुए हैं, थोड़े से उन्होंने निकाल दिए हैं, बस थोड़े से ही बचे हैं। मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा सा घर की तरफ। मैंने यहाँ पर मशीन लगा रखी ना, बाल छोटे हो रखे हैं, साइड हवा चल रही है ठंडी, भाई ऐसी ठंड लग रही है ना कनपट्टी पे पूरे। भाई साहब राम राम, बढ़िया कने वाणा छो, अच्छा गोल लाके, अरे वाह यहाँ देखो दोस्तों तुम क्या शौक रहता है यार गोल लाने का है। जान दे थे माना 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 ये वाला मकान कितना बढ़िया जबरदस्त चमक रहा है ना दोस्तों, देखो कितना प्यारा लग रहा है, मस्त साहब। बाकी देखो कुकी लगातार भोंकने पे लगा है, उसका रीजन है कि नीचे से ना बाघ घूर रहा है बिल्कुल खतरनाक वाला। आजकल सारी खुली है तो बाघ ऐसे सारे में ही घूमता रहता है। बाकी इधर देखो अपना घर भी कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त सा लग रहा है। और ऊपर देखो ताई जी और ना लड़ी लगा ली है, दिवाली आने वाली है, उन्होंने पहले ही लड़ी लगा दी तो वो भी बढ़िया सा लग रहा है। कुकी अंदर चला जा, तेरे को ही उठा के ना ले जा कहीं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे थोड़े से मिर्च यहाँ पे बचे हुए हैं, ये छन्नी का छत है हमारा, तो यहाँ पे भी थोड़े से मिर्च बचे हुए हैं। आज टाइम नहीं लगा, कल अच्छे से उसको उठा के ठीक ऊपर हम घर वाले लैंटर में रख देंगे ऊपर से। बाकी ठीक नजर आप अगर आगे दौड़ाएंगे तो यहाँ देखो शिवालय भी कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त सा लाइट चमक रही है बिल्कुल बढ़िया से। कल तक ना दोस्तों चंद्रमा बिल्कुल सही टाइम पर आ जा रहा था, 6 या 5 या 6 बजे के लगभग बिल्कुल बढ़िया से वो आ जा रहा था आसमान में। बट आज ना आसमान में चारों तरफ कहीं भी देख लो ना तो कहीं पर भी चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये है कि जिस दिन आज या आप वीडियो देख रहे हैं तो आज है करवा चौथ, तो उसकी वजह से वो थोड़ा और पीछे होता जा रहा है, कल तो और लेट आएगा। बाकी यहाँ पे देखो अपने सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी रखता है, बिल्कुल नजर देखो कितनी पैनी रखी हुई है चारों तरफ। बाकी इधर देखो दोस्तों भैया, स्वर्ग में भी बिल्कुल बढ़िया से बादल लगे हुए हैं और यहाँ आ रखा है चंद्रमा, बाहर तो नहीं दिख रहा बट यहाँ आ रखा है, ये है आर्टिफिशियल। बाकी यहाँ पे माँ लोग भी आ गए हैं, बिल्कुल बढ़िया से चाय पी जा रही है टर मार के, आग भी जला दी गई है बिल्कुल बढ़िया से मेरे द्वारा। बाकी यहाँ पे देखो भाभी भी लगी पड़ी है कुमर निकालने पे। खैर यहाँ पे देखो मिर्च थोड़ा सा बिराई हमने थोड़ी देर, बाकी यहाँ पे ये आज टीप टाप के लाए हैं हरे वाली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च भी है, तो बस आ गए हैं सभी लोग खाने के लिए, तो अब खाना रखा जाएगा और खाना खाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। क्या बना है आज सब्जी में? बोड़ बड़ा। अच्छा बोड़ बड़ा बने हैं, ये कौन से बोड़ बड़ा है भाई? वो भाई साहब यहाँ तो बड़ी बनी है, सोयाबीन बड़ी। चलो भाई दोस्तों बढ़िया से खाना पीना हो गया है और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे भैया रात के ना 11 बज गए होंगे और अभी सिर्फ 8 भी नहीं बजे, 8 बजने को भी 10 मिनट हैं और खाना पीना बिल्कुल बढ़िया से हो गया है। बाकी कुछ ही देर में भाभी मेहंदी वगैरह लगाएगी क्योंकि कल व्रत वगैरह भी है, तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी यही था आज के पूरे दिन का हाल, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय।